समस्तीपुर में मिथिला दुग्ध संघ समस्तीपुर सुधा डेयरी मकर संक्रांति के मौके पर अपने उपभोक्ताओं को 1,00,000 टन दही और 12,00,000 लीटर दूध उपलब्ध कराने में रिकॉर्ड सफलता हासिल की है। मकर संक्रांति के मौके पर समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले के लोगों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दही खाया है, जिससे 1,00,000 टन की खपत सुधा डेयरी की हुई है। बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा महज 14 जनवरी का है, जबकि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को भी मनाया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1,00,000 टन का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। पिछले साल मात्र 40,000 किलोग्राम दही की बिक्री हुई थी, जबकि दूध की बिक्री 10,00,000 लीटर ही संभव हो पाई थी। लगातार कीर्तिमान स्थापित करने को लेकर मिथिला दूध संघ समस्तीपुर के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव को दिल्ली के एक कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद से इलाके के लोगों में काफी खुशी है। इस बार मकर संक्रांति के अवसर पे मिथिला दुग्ध संघ ने पिछले साल के अपने टारगेट जो 40 टन, मतलब 40,000 केजी हम लोग बेचे थे, तो हमने करीबन उसका 60 से 70 टन का टारगेट रखा था, लेकिन इतना डिमांड आया कि हम लोग अभी तक 100 टन, मतलब 1,00,000 केजी दूध को दही में कन्वर्ट करके, दही पैक करके 200 ग्राम से लेके 18 केजी के अलग अलग पैक में हर तबके के लोगों के लिए अभी तक पैक करके मार्केट में दे दिया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस दरमियान दूध का भी पिछले साल से करीबन 20% ज़्यादा हम लोगों ने सेल किया है। जो पिछले साल हम लोगों ने 9,00,000 सेल किया था, इस बार 12,00,000 के करीब दूध का भी सेल किया गया। इस बार मकर संक्रांति के मौके पर मिथिला दुग्ध संघ ने अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य रखा था। इस बार तय किया गया था कि वो 60 से 70 टन दही खपाएंगे, लेकिन दही का इतना डिमांड आया कि यह आंकड़ा 1,00,000 के पार हो गया, जबकि पिछले साल के मुकाबले इस साल दूध की भी बिक्री रिकॉर्ड तोड़ हुई है। इस साल दूध 12,00,000 लीटर सेल हुआ है। किसी खास मौके पर हुई दूध दही की ये बिक्री अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड का श्रेय कंपनी अपने कर्मचारियों को दे रही है। गरीब गुरबा लोग जो हमारे पशुपालक हैं, उनके उत्थान के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है, और प्रतिदिन इस मिथिलांचल में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया किसानों को दूध के मूल्य के रूप में दिया जा रहा है, जिससे उनका पर कैपिटा इनकम बन रहा है और बढ़ रहा है, साथ साथ उनके परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि गांव में खुशहाली हो रही है। और जो पहले गांव के लोग एकदम दबे कुचले रहते थे, कैश मनी की बहुत कमी रहती थी, वो कैश मनी ये मिथिला दुग्ध संघ सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन और उसके संग्रहण और विपणन के माध्यम से उनको अच्छी आमदनी उनके गाँव में उपलब्ध करा रही है। कंपनी का दावा है कि इस होने वाली रिकॉर्ड तोड़ बिक्रियों का फायदा किसानों को भी मिल रहा है, जिससे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।